रुड़की में बसपा कार्यकर्ताओं ने बसपा के संस्थापक कांशीराम का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान रुड़की पहुंचे बसपा के उत्तराखंड प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि कांशीराम ने हमेशा दलितों और पिछड़े लोगों के लिए काम किया है और गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा ने जिला पंचायत चुनाव में पार्टी का अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, जल्द ही उसके नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। जिस दिन चुनाव की घोषणा है उसे नाम घोषित कर देंगे। ऐसा क्यों करिए, लेट क्यों करिए, जब कांग्रेस की तरफ से फाइनल हो गया। हमने नाम तय कर लिया है, हम अब अगर घोषित करेंगे हरीश रावत जी कल उसके घर पहुंच जाएंगे। तो हरीश रावत जी चाहते हैं कि जिनका नाम पहले आया उस बेचारे को पीड़ित करो, उसको उत्पीड़न करो। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।